मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे न केवल पूरे सूबे में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एमपी की राजधानी भोपाल में बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब हो गई हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, सूबे की राजधानी में एक बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब हो गई हैं, जिसके बाद तो पुलिस महकमे और सियासी महकमे में हलचल बढ़ गई है। बता दें कि भोपाल में बिना अनुमति के बालिका गृह चलाया जा रहा है, जिससे 26 बच्चियां गायब मिली हैं। दरअसल बालिका गृह में 68 बच्चियों के रहने की एंट्री मिली है, जबकि मौके पर 41 बच्चियां मौजूद थी। इस बालिका गृह में गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों की बच्चियां थी। ये अवैध बालिका गृह भोपाल के परवलिया इलाके में है। भोपाल से 20 किलोमीटर दूर तारा सेवनिया गांव में एनजीओ के माध्यम से चिल्ड्रन होम हॉस्टल संचालित किया जा रहा था, जहां पर 41 बच्चियां थी, जिसमें से 26 बच्चियां लापता होने के बाद से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। प्रशासन सहित जो राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनो, उनके पूरा मामला उनके संज्ञान में आया था, जिसके बाद खुद ही एनजीओ जो यहाँ पर चिल्ड्रन होम के नाम से संचालित किया जा रहा था तारा सेवनिया गांव में, 5 एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पर वो आए थे, जिसके बाद प्रशासन भी यहाँ पहुंचा, पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। जो इसको संचालित करते थे वो आरोपी यहाँ से फरार हैं पूरी तरह से, लेकिन जो 26 बच्चियां हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो आरोपी है वो फरार है। एक और जहां शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया है। इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। परसों के दिन 3 तारीख को हम लोगों ने निरीक्षण किया था, जिसमें कि बाल आयोग के, राष्ट्रीय बाल आयोग के जो अध्यक्ष प्रियंका कानूनगोज जी भी हमारे साथ में थे, और मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविंद मोरे जी भी थे, और मेरे साथ में मेरे और एक सदस्य श्री ओमकार सिंह जी भी हमारे साथ थे। तो हम लोग उस वहां पर चूंकि बच्चे रह रहे थे, तो हम लोगों ने विजिट करने का सोचा था, और जब हम वहां पहुंचे तो हम लोगों ने बार बार जो अनिल मैथ्यू है उससे जाते ही पूछा भी था कि कोई ऑर्फन बच्चे तो नहीं है, सेमी ऑर्फन तो नहीं है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि यहाँ पे ऑर्फन भी नहीं है और सेमी ऑर्फन बच्चे भी नहीं है। पर बाद में बच्चों से बात करने पर पता पड़ा कि उनके माता पिता भी नहीं है, और कई बच्चे ऐसे हैं, 4-5 बच्चे जो सिंगल फादर हैं। इस घटना ने सूबे की सियासत में भी उबाल ला दिया है। बीजेपी नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार से मामले में एक्शन लेने की बात कही। शिवराज सिंह ने लिखा कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बालगृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने एवं त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। शिवराज सिंह की मांग के बाद राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद ये मामला नया विवाद ले सकता है। प्रियंका कानूनगो ने इस अवैध बालिका गृह पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। प्रियंका कानूनगो ने पोस्ट में लिखा कि राज्य बाल आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया। यहां एनजीओ संचालक सरकारी एजेंसी की तरह चाइल्ड लाइन पार्टनर के रूप में कार्यरत है। सरकार की बिना अनुमति के बच्चों को सड़कों से रेस्क्यू किया गया, साथ ही बिना लाइसेंस इसे चलाया जा रहा है, और इस बालगृह में चुपचाप ढंग से बच्चियों को रखकर उनसे ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है कि गायब बच्चियां कब तक मिलेंगी, साथ ही अवैध बालिका गृह की फंडिंग कैसे होती है, ऐसे कई गुत्थियां पुलिस को सुलझानी है। फिलहाल जो आरोपी हैं वो फरार हैं, और ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम आई हुई है। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। 26 बच्ची है जो लापता, उनको ढूंढ भी रही है। फिलहाल देखना यह है कि वो आरोपी को पुलिस जब पकड़ लेगी, इसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर और क्या घटनाएं चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी इससे भी इस पूरे जो चिल्ड्रन होम है एनजीओ, इसको फंडिंग की जाती थी और इसके माध्यम से ही यहाँ पर ये संचालित होता था।